Hi Ansh, how are you? हाय हाय, आई एम गुड So, lockdown कैसा जा रहा है आपका? मतलब कैसा जा रहा था? यार। लॉकडाउन काफी इंटरेस्टिंग रहा, और इंटरेस्टिंग एज इन फर्स्ट टाइम एवर वी हैव फेस्ड इन आवर लाइफ, लाइक ऑल ऑफ अस। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा या सुना होगा ऐसे पेंडेमिक के बारे में। सुना होगा लेकिन ऐसा एक्चुअली कभी फिजिकली कभी लास्ट के 30, 40, 50, 60 सालों में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो दिस वाज न्यू फॉर एवरीवन, यू नो, एवरीवन ऑफ अस। सो काफी टफ रहा, और बिकॉज किसी को भी आदत नहीं है घर पे बैठने की इतना। तो शुरू में इट वाज फाइन, एंड लेटर देन आई हैड टू गो फॉर शूट इन पंजाब। सो आई वाज आउट फॉर 2 मंथ्स। आई वाज शूटिंग इन पंजाब, दिल्ली, रोहतक, नॉट इन दिल्ली, रोहतक एंड पंजाब। एंड देन आई केम बैक टू हियर, एंड धीरे धीरे चीजें अनलॉक होने लगी हैं अभी। तो अभी रिसेंटली आई वॉज पॉजिटिव फॉर कोविड, सो वो एक्सपीरियंस भी हो गया कोविड का। एंड टच वुड, आई वॉज, यू नो, आई हैड माइल्ड सिम्टम्स एंड आई रिकवर्ड इन, यू नो, टू वीक्स ऑफ क्वारंटाइन। आई गॉट नेगेटिव, एंड सो इट वॉज नाइस, यू नो, एक्सपीरियंस जिसमें अप एंड डाउन थे काफ़ी लास्ट के 6-7 महीनों में, सबके साथ ही थे। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जब आप घर में लॉक्ड होते हो। Financially, it's very difficult for people around and every one of us. क्योंकि आप सबको पता है कि jobs का कितना problem हो रहा है, काम नहीं होता. So it's very difficult for all of us. And हम लोग we came out, you know, all of us are trying hard to be as normal as we can be. अभी धीरे-धीरे unlock हो रही हैं चीजें, तो बहुत अच्छा हो रहा है. अभी काम-वाम दोबारा start हो रहा है. कोरोना का डर है जो COVID का, वो भी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता है प्रिकॉशंस लेके रखेंगे तो वी कैन सेव अस है। दैट्स ट्रू, वी कैन सेव, यू नो, या से या तो सो इट वाज अमेजिंग, एंड एज लॉन्ग एवरीथिंग यू आर टेकिंग पॉजिटिवली, तो सब अच्छा ही होता है। बिकॉज़ यू कांट बी नेगेटिव, बिकॉज़ सिचुएशन तो यू कांट अवॉइड, सो इट्स बेटर टू बी पॉजिटिव एंड फेस द सिचुएशन एंड कम आउट ऑफ इट, यू नो, मोर स्ट्रॉन्गर। सो आज जैसे कि आपने कहा कि आप पंजाब में शूट कर रहे थे, सो लव लव का पंगा वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर द कोविड सिचुएशन, और देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन? नो नो, लव का पंगा वी शॉट बिफोर लॉकडाउन, ओके, एंड आफ्टर लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन सम ऑफ द पार्ट वी शॉट। एक दो दिन का शूट, दो तीन दिन का शूट था वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी लॉकडाउन के बाद किया, अनलॉक होने लगी सिचुएशन। उससे पहले लॉकडाउन से पहले किया हुआ था सारा शूट मनाली में। पंजाब में आई वाज शूटिंग फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, आई वाज शूटिंग फॉर फीचर फिल्म। ओके, सो लव का पंगा की जो कहानी है उसके बारे में कुछ ब्रीफ में आप बता सकते हैं हमको? हाँ हाँ, श्योर। तो कहानी बेसिकली आपने ट्रेलर में, वैसे सब जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है तो समझ में आ ही जाता है कि मोर और लेस कहानी क्या है। लड़का है सुमित टोकस, देसी मुंडा है, वो देसी लौंडा है, वो दिल्ली से हरियाणवी है। तो वो एक सोलो ट्रिप पे निकलता है मनाली के लिए, और वहाँ पे इस लड़की से टकरा जाता है एंड इज ट्राइंग टू हेल्प हर। और मतलब इसको ये अपने हिसाब से ये लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट और सुपर कूल बंदा है ये अपने हिसाब से। बट ही कम्स अक्रॉस एज चेप, लड़की को लगता है कि बड़ा चेप है और बहुत थरकी है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लड़की के लिए इसकी जो पर्सनालिटी है, इसका जो वो बड़ा अजीब सा होता है उसकी लड़की के लिए, उसको चेप लगता है, थरकी लगता है, वानाबी लगता है। और फिर ये इसको भी लगता है इवेंचुअली कि यार ये लड़की फालतू का एटीट्यूड दिखा रही है, मैं तो इतना हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसको घुसने की आदत है हमेशा। ये बड़ा ही ऐसा है कि सबको अपना बना के बातें करता है, वैसे वाला थॉट है इस लड़के का। तो ऐसा टिपिकल ऐसा, मतलब हालांकि इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, बट लड़की को इसकी इंटेंशन गलत लगती है। और तो अभी लेकिन वो शो में पता लगेगा फिर आपको कि इंटेंशन सच में इसकी गलत थी या नहीं है, किस तरीके से वो अनवांटेड सिचुएशन में आ जाते हैं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन में, और किस तरीके से अंडरस्टैंड ईच अदर एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो वो सब के बारे में एक स्वीट सी कहानी है, और कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स वैसे हैं जो काफी रिलेटेबल है। और फिर मनाली में हम लोगों ने शूट किया है, तो मनाली एनी विच वेज बहुत खूबसूरत है, तो आई सूथिंग लोकेशंस है, तो आपको मजा आएगा आप जब देखेंगे तो। बिकॉज यू अभी लॉकडाउन है तो सब लोग को लगता है कि एक वेकेशन पे जाएं, तो ये वो वेकेशन वाला फील दे देगा ये शो उनको।
आपने जो सुमित का कैरेक्टर बताया है, वो कैरेक्टर और आपका पर्सनल लाइफ कैरेक्टर में कितनी, मतलब आपकी पर्सनालिटी में कितनी सिमिलैरिटीज है कि नहीं है? हाँ देखो, एक टाइम पे कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही, मतलब थोड़े थोड़े कुछ थे, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ। एक नॉर्मल दिल्ली से हूँ मैं भी, वैसे दिल्ली में आई स्टे, और वैसा ही होता था मेरे से। बच्चे शुरू शुरू में लाइफ स्टार्ट की थी कि लड़की के सामने मैं बात ही नहीं कर पाता था, और लैंग्वेज भी मतलब बोलने जबान अंदर चली जाती थी जब मैं बात करता था। तो बट ऐसा मतलब भी जो कुछ 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 चीजें हैं जो काफी सिमिलर है, जैसे कि जैसे यार सोलो ट्रिप पे जाता है, तो सोलो ट्रिप पे जाता है तो सबका ऐसा मन होता है ना। मेरा भी टाइम पे था कि यार सोलो ट्रिप पे जाऊँ, कोई लड़की मिल जाए और बड़ा इजी हो, यू नो, ऐसा लगता है टीवी में देख देख के कि वहाँ पे लड़की मिल जाएगी, लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, यू नो, एक ट्रिप पे जाके। तो ऐसे थॉट होते हैं टीनेज के टाइम पे, मेरे भी थे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। बाकी ये करेक्टर ऐसा है कि जो नॉर्थ इंडिया में काफी रिलेट करेंगे इस लड़के से, अच्छा, इस कैरेक्टर से, सुमित टोकर से। आपकी जो को स्टार है आशा नेगी, उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ सीखने को मिला या ऐसा कोई मोमेंट जो आप शेयर कर सके हमारे साथ? यार आशा को आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम आई मेट हर इन 2011, आई गेस 11, जब वो नई नई आई थी उस टाइम पे। एंड दैट टाइम पे आई वाज डूइंग टीवी कमर्शियल्स, तो उस टाइम पे आई फर्स्ट टाइम आई मेट हर थ्रू फ्रेंड्स। हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहाँ पे हम लोग टकरा गए थे। एंड वो जानता था, बातचीत वगैरह ऐसा। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ हर, यू नो, फर्स्ट टाइम आई मेट हर दैट टाइम। सो शी उस टाइम पे नई नई आई थी, शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी रॉ। और होते हैं नए नए जो मुंबई आते हैं, हाँ, वैसा वाला था बहुत सारी वो। तो उस टाइम पे शी डिडंट डू मच, शी वॉज डूइंग सम शो जिसमें मतलब उसपे छोटा मोटा रोल कर रहे थे उस टाइम पे वो। उस टाइम पे शी डिडंट डू एनी लीड शो, तो शी वाज वेरी काम। सो आई वाज लाइक, हाँ बहुत स्वीट लड़की है, अच्छी लड़की है, देहरादून से है। तो एक वो स्मॉल टाउन वाला जो होता है ना, वैसा वाला एक प्योर प्योर प्योरिटी थी उनके अंदर। जब मैं उनसे मिला 7-8 साल बाद, तो आई कुड सी एनी डिफरेंस, वो वैसी ही थी जैसी पहले थी। तो देट वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज एज अ पर्सन आप अपने आप को बदलना नहीं चाहिए आपको, चाहे बेशक आपका करियर कितना भी ऊपर नीचे आए, बट आपको अपना वजूद नहीं छोड़ना चाहिए। सो वो एक चीज थी। तो आई रियली लाइक हर कि चलो ठीक है, शी स्टिल, शी हैज डन क्वाइट क्वाइट वर्क, शी हैज डन टीवी, शी हैज डन रियलिटी शोज, एंड टीवी पे है, काफी काम किया उन्होंने, बट स्टिल शी इज एज शी वॉज द सेम गर्ल जिसको मैं मिला था। सो देट वॉज अ गुड थिंग। बाकी प्रोफेशनली शी वॉज गुड, और हम लोगों ने शूट किया, शी वॉज वेरी नाइस प्रोफेशनली, एवरीथिंग वॉज फाइन। सो इट्स गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। आपने जैसे कहा कि आपने पहले उनको एकदम ही स्टार्टिंग के रॉ फॉर्म में देखा था, सो पर्सनालिटी वाइज तो वो नहीं बदली, शी स्टिल डाउन टू अर्थ, बट एक्टिंग वाइज एज एन एक्टर, डिड शी डू एनी प्रोग्रेस, लाइक उनकी एक्टिंग में या सीन के समझ में कोई ऐसे चेंजेस आए, लाइक शी बिकेम बेटर देन बिफोर? तो आई टेल यू व्हाट, एक्टिंग का तो पता क्या होता है, एक्टिंग का मुझे लगता है कि जितना आप रॉ रहते हो ना, हेलो, हाँ, जितना आपके अंदर से रॉनेस अगर चली गई ना, तो आई थिंक आप फिर वो एक्टर झूठे एक्टर बन जाते हो। तो उसके अंदर वो रॉनेस है, और वो रॉनेस शुरू में जो थी वो शूटिंग के दौरान भी थी। बाकी तो डायरेक्टर का काम होता है कि वो डायरेक्टर कैसे आपसे काम निकलवाता है। तो आई थिंक एज एन एक्टर हम लोग को है ना एक गीली मिट्टी की तरह रहना चाहिए, और उसके ऊपर डायरेक्टर को ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो डायरेक्टर हमें किस तरीके से उस गीली मिट्टी को मोल्ड कुछ भी करे। बना सकता है। हाँ, तो वो रॉनेस उसके अंदर उस टाइम पे भी थी, और वो ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक्टर को है ना ओवर स्मार्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, तो उतना ही जो रॉनेस है ना वो रहना चाहिए हमेशा, और वही रीजन है कि आप इम्प्रूव होते हो लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, आई पर्सनली फील कि कितना भी अच्छा एक्टर हो, जब तक उसको एक अच्छा डायरेक्टर नहीं मिलता, तो वो उसकी पोटेंशियल बाहर नहीं आ सकती। दैट्स तो ट्रू। एक कॉम्बिनेशन है ये, अच्छा एक्टर का एक अच्छा प्रोजेक्ट में होना और अच्छा डायरेक्टर होना, ये कॉम्बिनेशन है ये सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी बात यही थी कि वही रॉनेस उसके अंदर, उनके अंदर जो 7-8 साल के, 8-9 साल के बाद भी थी, तो विच इज अ गुड थिंग। और वो रॉनेस हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे अगर हम लोग उस रॉनेस को भूल गए ना, जो मैं आज से 8 साल पहला था, जो मेरी रियलिटी थी,
and I will lose myself also as an actor. True. You know, aaj bhi, if I see myself, to I don't want to change anything in me. हम लोग groom करते हैं for good. हम लोग को groom करते करते अपना जो real वजूद है उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी. और वही एक अच्छा एक्टर बनाती है, I personally feel. So, आपने डायरेक्टर के बारे में बोला that director has to be that good. आपका एक्सपीरियंस नितेश सिंह के साथ कैसा रहा, नितेश सर के साथ एज अ डायरेक्टर? अच्छे थे, बहुत अच्छा था. हम लोग अभी अच्छे, मतलब शूटिंग के दौरान इतने अच्छे बॉन्डिंग रही, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ. और आज तक भी हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, कभी भी कुछ होता है तो ही हम लोग मिलते रहते हैं. तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही नितेश के साथ, नितेश सर के साथ. मैं सर ही बोलता हूँ उनको आज भी, क्योंकि मेरे को लगता है डायरेक्टर है तो सर ही होने चाहिए. तो हालांकि वी आर गुड फ्रेंड्स, तो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, बिकॉज ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड वेरी हार्ड वर्किंग अबाउट हिज वर्क. एंड वही होना चाहिए यार, इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं तो हम लोग को दो तीन चीजें हैं वो फॉलो करनी चाहिए, एक कमिटमेंट, हार्डवर्क एंड पैशन. ये चीजें हैं, ये हमारी लाइफ. अगर ये हट गया, हार्डवर्क हट गया तो वी कांट सर्वाइव हियर, कमिटमेंट हट गई अगेन वी कांट सर्वाइव, बिकॉज कमिटमेंट पे ही पूरा काम चलता है. क्योंकि अगर आज मैं आपको कमिट कर दूं कि मैं 4 बजे आपसे मिलने वाला हूं और मैं नहीं आया तो मेरी वजह से आप भी परेशान होंगे. एंड पैशन, तो डेफिनेटली पैशन होगा तभी मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर पाऊंगा. तो ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में, तो ये सब है उनके अंदर. और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होते हैं. सो अंश, आप फ्यूचर, मतलब ऐसा कोई रोल है जो आप बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हो मिलने के लिए, बट अभी तक आपको मिला नहीं है, बट यू वांट दैट टाइप ऑफ रोल, ऐसा कोई रोल है? हाँ, मेरे को बहुत इंटेंस रोल करना है मेरे को. हालांकि मैंने किया, दिल तो हैप्पी है जी में किया था मैंने, बट टीवी शो में एक लिमिट होती है कैरेक्टर की. क्योंकि यू कांट गो उस एज पे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपको एक सर्टेन लेवल ही दिखाना होता है. सो आई वुड लाइक टू डू सम काइंड ऑफ यू नो सच काइंड ऑफ रोल्स, इंटेंस रोल करना चाहूंगा मैं. पैशनेट जो होते हैं ना, जैसे कि रोम कॉम इज अ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी इज अ डिफरेंट थिंग. आई रियली वांट टू डू सम इंटेंस कंटेंट, तो जिसके अंदर मैं अपना और एक्टिंग का जो है वो दिखा सकूं, वो इंटेंसिटी दिखा सकूं. सो जो मुझे अभी तक थोड़े काफी, मतलब अपने टीवी शो में थोड़ा बहुत दिखाने के लिए मौका मिला था. सो आई वुड रियली लुक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शो सच काइंड ऑफ कैरेक्टर इन वेब शोज और फिल्म्स. सो अंश, आप में डेफिनेटली एक्टिंग का तो बहुत ही पैशन है, बट पहले आप मींस यू आर नॉट इनटू द एक्टिंग करियर, आप एक्टिंग के किसी भी फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे. And your childhood had been like not childhood, but your past had been like a financially strained past, right? So usme acting, this Bollywood industry is a field jahan pe aapka luck kaam kar gaya. I mean obviously aapke skills ke sath sath aapka luck bhi bahut important hai, right? So wo kaam kar gaya to hi is industry mein aap naam bana sakte ho. So wo ek thoda sa risk tha ki is industry mein jana ya koi kisi aur field mein apna line continue karna. जब आई रिमेम्बर आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, 13-14, तब से ही 12-13 साल का, तब से ही मेरे को था कि मेरे को कुछ अलग करना है. मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज माई फादर वॉज अमिताभ बच्चन फैन. तो हम लोग, पापा अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे, मैं भी देखता था. तो मेरे को लगता था मेरे को भी ऐसे हीरो की तरह करना है. तो धीरे 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 पता लगा कि मेरे को हीरो ही बनना है. बट आई नेवर टोल्ड एनीवन अबाउट इट बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट. इट वाज सो मतलब लॉन्ग वे, मतलब आई कांट इवन थिंक. एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है दिल्ली में, वो सोच भी नहीं सकता है वो ऐसे बैकग्राउंड से हूँ मैं. तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ था. और बट आई थिंक जो मेरी वीकनेस थी वो ही मेरी स्ट्रेंथ थी. तो मेरी वीकनेस थी कि वी डोंट हैव मनी, वी डिडंट हैव मनी. सो दैट वाज माय वीकनेस एंड दैट वाज माय स्ट्रेंथ, दैट आई हैड नथिंग टू लूज. मतलब मैं ऑलरेडी जमीन पे गिरा हूँ, उससे ज्यादा क्या गिरूंगा. ऐसा किसी को कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं कोई 30 मार्का बनने वाला हूँ या बहुत बड़ा अमीर आदमी बनने वाला हूँ, बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ. तो इवेंचुअली ये था कि छोटी मोटी कहीं नौकरी करेगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाएगा, घर चलेगा. तो एक्सपेक्टेशन भी किसी की, तो दैट वाज माय स्ट्रेंथ आल्सो. तो एंड आई वाज वेरी पैशनेट एंड आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट.
एंड मुझे लगता है कि आप जो भी कुछ करना चाहो आप कर सकते हो इस लाइफ में, और अगर वो जज्बा है तो मेरे अंदर वो जज्बा शुरू से था। मुझे हमेशा से पता था कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं ना कर पाऊँ इस दुनिया में, और कोई भी इंसान ना कर पाए। लाइक इट्स नॉट गॉड मेड, इट्स ह्यूमन मेड, नो। तो अगर एक इंसान वहां पे कर सकता है, बॉम्बे में जाके एक आदमी शाहरुख खान बन सकता है, तो वो भी तो इंसान ही है ना। वो शाहरुख खान जो बना है, वो अमिताभ बच्चन जो बना है, वो इंसान ही है ना। और मैं भी एक इंसान हूँ। इट्स नॉट समथिंग विच इज गॉड, यू नो, गॉड हैज क्रिएटेड, इट्स वी क्रिएटेड, एंड इट्स देन अगेन आवर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट ही इज अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। सो वी जस्ट हैड टू चेंज द परसेप्शन, वी जस्ट हैव टू प्रोजेक्ट दैट आई एम अ सुपरस्टार और प्रोजेक्ट आई एम एन एक्टर। सो दैट इज माई जर्नी। तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग टू नाउ समवेयर। सो आई हैड, तो फाइनेंशियली आई वॉज वेरी फक्ड अप इवन आफ्टर कमिंग टू मुंबई। शूट मिल जाता था लेकिन पैसे नहीं होते थे शूट पे जाने के लिए मेरे पास। तो मेरी मम्मी को मैं फोन करता था, वो 100-100 रुपये, 150-150 रुपये मेरे अकाउंट में डलवाती थी सो दैट मैं शूट पे पहुंच जाऊँ, वापस आ जाऊँ। तो ऐसा शुरू शुरू में काफी हुआ, बट आई वॉज लकी इनफ। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कभी उसको स्ट्रगल समझा नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी जमीन से ही हूँ, हाँ तो मेरे लिए वो नॉर्मल ही था। तो मेरे लिए कई बार खाना ना मिलना तो मेरे को लगता था ठीक है ना, क्या हो गया। मेरे लिए एक छोटे से घर में रहना, छोटे से कमरे में जहाँ पे पानी ना होता हो, वो मेरे लिए नॉर्मल था बिकॉज मैं तो वहीं से आया हूँ। सो ये डिफिकल्ट होगा रणबीर कपूर के लिए या आलिया भट्ट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उन लोग को आदत नहीं है, बट हम लोग को आदत है यही। और हम लोग को आदत भी नहीं है, ये भी आदत नहीं है कि जैसे कि अभी आलिया भट्ट की पहली कोई फिल्म फ्लॉप होगी तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा, या हाँ किसी बड़े स्टार के बेटे की फिल्म फ्लॉप होगी तो उनको बुरा लगेगा ज्यादा। बट हम लोग को फ्लॉप फिल्म मिलेगी ना तो वो भी हमारे लिए सपना पूरा हो गया हमारा, वो कि अरे चलो ठीक है फिल्म तो मिली, फ्लॉप हो गई कोई बात नहीं, फिल्म में तो देखा खुद के लिए, तो वो भी एक सपना ही है। सो इट डिपेंड्स के, तो हम लोग के लिए जो हम जैसे लोग आते हैं आउटसाइडर, तो हम लोग के लिए तो अरे भैया फ्लॉप फिल्म मिल जाए लेकिन मिल जाए, कोई काम तो करने के लिए मिलेगा, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरी ये सारी जितनी वीकनेस है ना उनको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वो स्ट्रेंथ बना के आज तक भी काम कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं अपनी सक्सेस ये नहीं देखता कि मैंने कोई बहुत मतलब बहुत सारी सुपर डुपर 100 करोड़ की फिल्में कर ली है, या 10 करोड़ की फिल्में, 50 करोड़ की फिल्में कर रही है मेरी। मेरी अपनी सक्सेस ये समझता हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ और जिस तरीके की मेरी अपब्रिंगिंग रही है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड, कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल आई वॉज देयर ऑन 70 mm, स्टिल आई एम डूइंग वर्क। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, बट आई हैव गॉड हाँ who's helping me always, and it's with everyone. बस हमें सिर्फ believe करने की जरूरत है। So I don't need, I'm very happy that मेरा बाप कोई star के मतलब star नहीं है, because मैं proud से आज बोल सकता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। और मैं लोगों को ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ये छोटा मोटा काम, अगर छोटा मोटा आज मैं आई कैन से आई कैन से दैट आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ स्टार, बट आई कैन से दैट आई एम एन एक्टर। So that's achievement for me, and I can tell this to people that if I can be, you can be too. So yes, जितने भी financial जो weakness थी मेरी, इसको strength बनाया मैंने। And अगर मैं अभी बताने लगूंगा incident, तो ये interview 2-3 घंटे तक चलेगा फिर। नो प्रॉब्लम। सो इतना इतना स्ट्रगल हुआ और फिर भी आप इतने पॉजिटिव रहे, तो फाइनली जब आपको अपना पहला ब्रेक, डेज ऑफ तफरी, राइट, वो मिला, तब आपको कैसा लगा एंड फैमिली वालों को क्या कैसा डेज ऑफ लगा? तफरी यार, आई टेल यू व्हाट, मैं आपको बताता हूँ। आई केम टू मुंबई इन 2011। सो 2011-12 में मैंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल किए। सो आई वाज एवरी सेकंड थर्ड टीवी कमर्शियल आई वाज डूइंग, एंड देन आई डिड अ कमर्शियल विद करीना कपूर, एंड दैट वाज सुपर हिट। यू नो उस कमर्शियल 30 सेकंड, 45 सेकंड्स के कमर्शियल के बाद मुझे इतने सारे डायरेक्टर्स के कॉल आए, इतने सारे, बट मैं उस टाइम पे बड़ा लगता था कि यार एक ऐसा अजीब सा टाइम है, क्योंकि जो कोई भी मेरे साथ काम करना चाहता था ना, वो ये बोलता था कि आप अगर हमारे साथ साइन करोगे तो दूसरे डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकते काम, तो पहले हमारे साथ फिनिश करो, उसके बाद ही 3 फिल्मों के बाद ही आप कर सकते हो किसी और के साथ। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू चूज वन डायरेक्टर, एंड देन इट हैपेंड। सो आउट ऑफ यू नो मेनी डायरेक्टर्स, आई वाज सपोज टू डू अ प्रोजेक्ट विद सुजीत सरकार, एंड देन आई बट इट गॉट डिलेड। Sudhir Sarkar was producing, Sudhir Sarkar and John Abraham, they were producing this project. Then it got delayed.
देन आई वाज देन साइमल्टेनियसली मुझे मतलब दैट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर मी यू नो कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड सडनली बिग बिग डायरेक्टर्स आर कॉलिंग यू एंड दे आर मीटिंग यू एंड दे सेइंग दैट वी वांट यू टू बी इन आवर फिल्म वी वांट टू लॉन्च यू like all big directors that was really a dream you know dream come true for me in 2012 and then finally I chose one director I thought ki okay theek hai wo bahut senior director hai unhone sabse pehle mujhe call kiya tha to ek dil se hota hai ki chalo theek hai and I was supposed to launch by Rajkumar Santoshi so we started working on that project script pe music pe so for almost 1.5 or 2 years I was with him only throughout because I wanted to learn also he told me can you have to be with me learn hum log sath mein script wagera pe kaam karenge ye karenge tumhari workshop hogi so I gave 1.5 or 2 years and but after that that project didn't happen that's happened in industry aap 2 saal tak apni zindagi de rahe the aur because of that I said no to many projects many big projects but it didn't happen and you know I was not working for like almost 1.5 or 2 years I was not doing tv commercial jiski wajah se main survive karta so again I was under debt because I thought ki ek bar signing amount milegi to sab theek ho jayega but it didn't happen that time aur Raj sir told me that Ansh it's not happening yes I was like okay theek hai then I started again nothing then whatever opportunities I had I couldn't make it because I had to choose one अगर ऐसा होता कि हाँ मैं सबके साथ काम कर सकता हूँ तो अभी तक मेरी शायद 5-6 फिल्में आ चुकी होती सो बिकॉज आई हैड टू चूज वन एंड बिकॉज ऑफ क्योंकि ये बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया था ना बीच में हमारे यहाँ पे कि 3 फिल्में साइन करो ये करो अगर हमारे साथ करोगे तो किसी और के साथ नहीं कर सकते ये सब चालू था उसके चक्कर में इट हैपेंड बट वो जो 1.5-2 साल में राजी के साथ रहा मैं बहुत कुछ सीखा उनसे राजकुमार संतोषी बहुत कुछ सीखा आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम मतलब आई थिंक इट वाज गॉड्स वे टू मेक मी लर्न बिकॉज आई नेवर न्यू अबाउट फिल्म इंडस्ट्री आई नेवर न्यू अबाउट एक्टिंग आई नेवर हैड एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बट वो 1.5-2 साल की जो ट्रेनिंग थी ना फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर के साथ बैठ के जहाँ पे बड़े बड़े जितने भी बड़े एक्टर्स हैं सब आते थे बैठते थे पीपल यूज्ड टू टॉक वर्क ऑन स्क्रिप्ट ऑन द स्क्रिप्ट म्यूजिक पे काम होता था बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के दिग्गज राइटर्स हैं लिरिक राइटर है उनके साथ आई यूज मैं कभी जिनको टीवी पे देखता था उनके साथ बैठ के दे यूज टू वर्क वी यूज टू वर्क टूगेदर सो दैट एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस अ लॉट एंड दैट इज समथिंग मेड मी हु आई एम टू टूडे अगर वो 1.5-2 साल में जिंदगी से निकाल दू तो शायद मैं कुछ अलग ही बंदा होऊंगा मैं एक्सपीरियंस वाइज सो वो मैंने कभी उस पर क्रिप नहीं किया रोया नहीं उस पर कभी कि शिट मेरी फेल नहीं हुई बट मैंने सोचा कि नहीं इट्स गॉड्स वे टू मेक मी लर्न समथिंग सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग अगेन फ्रॉम दिस स्क्रैच आई स्टार्टेड अगेन देन दिस डेज ऑफ तफरी हैपेंड सो बाय द टाइम डेज ऑफ तफरी हैपेंड सो आई वॉज ऑलरेडी वेरी काम You know, when you've seen so much up and downs, I was already very calm. And I was excited ki haan mujhe kaam karna hai. I was excited for work ki haan kaam karna hai, achha kaam karna hai. And then I gave my 100% and hum log jo kaam kiya mera wo logon ko pasand aaya. Aur jaisa bhi tha, film didn't do that well, jitna usko karna chahiye tha. But I was happy ki haan, ये अचीवमेंट है मेरे लिए 70 mm पे आना और अच्छा काम करना बिकॉज इवेंचुअली हिट होना फ्लॉप होना आपके हाथ में नहीं है बट अच्छा काम करना आपके हाथ में है सो एंड देन स्ट्रगल इज स्टिल ऑन यू नो अभी भी आज भी अभी डेज ऑफ तफरी के बाद इट डिडंट वर्क वेल देन जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ मेरे को लगा तो उतने काम नहीं आए जो लोग बात कर रहे थे कि हाँ वी वांट टू साइन यू देन डिडंट हैपन बिकॉज फिल्म डिडंट डू कमर्शियली दैट वेल देन अगेन इट वाज स्ट्रगल फॉर मी देन आई डिड टीवी सीरियल रियलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार एंड एवरी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बट थैंक्स टू माई यू नो बैकग्राउंड कि मैं उसी जीरो से आया हूँ हमेशा सो इट वॉज नेवर new for me to go back and start from the scratch and even now every day is it's fight ke ha chalo acha kaam karna hai and but yeah I love this journey and I really enjoy this journey and it's all about journey
सक्सेस का तो क्या है, वो टाइमिंग का गेम है आई फील, कि जब आपका राइट टाइम आएगा आप क्लिक हो जाओगे. इम्पोर्टेंट है कि आप काम करते रहो, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी. इतने इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आप इतने पॉजिटिव रहे, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट लव का पंगा, आप बस मतलब अपने फैंस को या फिर जो भी देख रहे हो उनको इतना बता दीजिए कि कब और कहाँ ये आने वाली है, कहाँ देख सकते हैं वो लोग. सो ऑल दी फैंस जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है और नहीं देखा तो प्लीज ट्रेलर देख लो, लव का पंगा. ट्रेलर मत देखो, बल्कि अब तो जाके हंगामा प्ले पर और पार्टनर नेटवर्क है जितने भी, उन पे जाके ये शो देखो. 15th अक्टूबर से ऑलरेडी ऑन एयर आ चुका है शो, आप शो देखो और शो आपको बहुत मजा आएगा देख के शो, क्योंकि फील गुड शो है. तो ये सुमित टोकर्स और ये नेहा जो लड़की है, ये आपको थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देंगे और मनाली लेके जाएंगे आपको ये. और ये शो देखने के बाद आप मुझे जरूर बताना है कि आपको शो कैसा लगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू हैव बीन गिविंग टू मी ऑल द टाइम. सो अंश, इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव टॉकिंग टू यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच एंड वी होप कि आपको और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और हमको फिर से रिकनेक्ट करने का मौका मिले. श्योर श्योर श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बाय बाय, थैंक यू सो मच.